अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 और अभी तक हम लोग पढ़े कि इक्वेशन ऑफ रूट में मतलब कि किसी भी इक्वेशन का रूट ऑफ इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, यह चीज हम लोग देख लिए। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लिए, ठीक है। और रूट अगर सम ऑफ रूट गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है तो, और तो रिलेशन डिफरेंट टाइप का रिलेशन जो है रूट का, वह सारा चीज हम लोग देख लिए। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वह जो सीखेंगे कि अगर सम ऑफ रूट दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसा होगा, किस तरह से हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे, यह सारा चीज हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। तो टॉपिक चाहिए टू मेक इक्वेशन, टू मेक इक्वेशन इफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वह गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेट कर लेते हैं नेक्स्ट। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यह दिया हुआ है, ठीक है। और इक्वेशन जो है हम लोग मान लेते हैं कि अगेन यहां पे ले लो, इक्वेशन इज कोई भी होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी टाइप का इक्वेशन होगा, ठीक है, इसी टाइप का होगा। अब इसको हम लोग डिराइव करेंगे किस फॉर्म में, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में। दैट मीन्स देखिएगा, सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हम लोग क्या करते हैं ए से दोनों साइड जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, या ए कॉमन, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है ए कॉमन ले लो। अगर ए कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ए कॉमन लेते हैं यहाँ पे देखो तो इसमें तो ए था तो ए बाहर हो गया, इसमें ए है नहीं है तो बी अपॉन ए, इसमें ए है नहीं है सी अपॉन ए इक्वल्स टू, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा इक्वेशन जो कि इसके फॉर्म में हो, और इंस्ट्रक्शन था ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये तो जीरो होगा नहीं, यह जब जीरो नहीं होगा तो यह कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हियर ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसे इम्प्लाइज किया एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस प्लस एक प्लस, एक प्लस को दो माइनस में लिख सकते हैं, यानी कि एक प्लस ही जो होगा माइनस ई टू माइनस, वही हम लोग कर लेंगे माइनस माइनस बी बार ए एक्स प्लस आपका सी बार ए इक्वल टू जीरो अपॉन ए, ठीक है। तो यहां पे देखो यह आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए, क्या होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी बाय ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो हम लोग जो है यह लिख सकते हैं कि यहाँ कोई भी अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है तो क्या निकलेगा जी, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ
roots into x plus product of root. Product of roots equals to zero. This is a required equation. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं कि जब आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है, दिया हुआ है, तो ठीक है। तो चलिए अब जो है, अगर दोनों रूट अगर दिया हो तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो टू में इक्वेशन if roots are given अगर roots जो है दिया हुआ हो तो equation कैसा होगा, तो लिख कर लेते हैं। जो given root है, लिख given roots of ax square plus bx plus c equals to zero, of equation इतना r alpha and beta। तो यह alpha beta किसका value है, x का value है, ठीक है, दोनों x का value है। तो इस हिसाब से x alpha ऐसे लिख सकते हैं, alpha and beta जो है वह किसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का, ठीक है, इसके इसी का रूट है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि यह जो होगा, या एक क्या होगा जी, एक कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कर लीजिए, यानी कि यह आपका एक कॉमन हो जाएगा। तो और कॉमन लेके इधर भी इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी इक्वल टू, ठीक है। तो यह चीज देखिए, यह इतना है, यानी कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा अगर रूट होगा, इसका अगर रूट है, यानी कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज किया अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्सप्रेशन, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, इस एक्सप्रेशन का जीरोस भी होगा। जब यह जीरोस होगा, यानी कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा जो होगा आर फैक्टर होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए का, यह फैक्टर होगा। और जब यह फैक्टर होगा तो इतना, चूंकि दो ही फैक्टर होगा, चूंकि यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और केवल दो ही फैक्टर होगा, तो यह दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसके क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, और यह तो किसके बराबर आ गया है, जीरो। फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग ले सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट आपका ए, यह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो, और यह आपका एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। तो अगर आपका दो रूट दिया हुआ हो, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इस तरह से हम लोग इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अब एक चीज देखिएगा कि एक इक्वेशन मान लेते हैं, लेट इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कैसा होगा वह हमको पता नहीं है। एक्स जो होगा यह बराबर होगा, वैल्यू वाला होगा,
तो की डिस्टिंक्ट वैल्यू वाला होगा, रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, कैसा वैल्यू है या आई डोंट नो, तो यह हम लोग को पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो पता करने का सबसे आसान तरीका है डिस्क्रिमिनेंट। तो यह डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे नोट में ले, यह याद रखिएगा नोट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देन या क्वेश्चन, सो या देन, ठीक है, देन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यह जो वैल्यू है, यह बी स्क्वायर माइनस फोर, बी भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि फोर बी, या कॉन्स्टेंट का एक जो टर्म है, किस टाइप का टर्म, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, इज कॉल डिस्क्रिमिनेंट। यह जो वैल्यू जो होगा, यह जो एक्सप्रेशन होगा, जिस एक्सप्रेशन में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला जो एक्सप्रेशन है, यह टाइप जो होगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है, चलिए। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि दैट इज डी इक्वल टू आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हमेशा याद रखिएगा, कोई यूनिट नहीं होता या यूनिट लेस होता है, या क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका डी आपका यह आ गया। अब नेचर इसी, यही रिस्पॉन्सिबल है, यही डी जो है रिस्पॉन्सिबल है, यही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी रूट्स जो होता है, ठीक है, रूट्स का नेचर जो है कैसा है वह बताने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि नेचर ऑफ रूट। केस फर्स्ट, अगर यहां डी जो हो जाए, यहां देखिए, अगर डी जो हो जाए ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा हो जाए, जीरो से बड़ा हो जाए, तो यह याद रखिएगा, x is real and distinct, यानी कि कहने का मतलब roots are, x real है तो x का value real है, यानी कि roots, ठीक है, roots are real and distinct। चलिए केस वन में देखेंगे, अभी यह पता चला कि जीरो से बड़ा हुआ या डिस्टिंक्ट होगा, रियल होगा या वैल्यू। अब ये देखिए, एक इसी का डिराइवेशन देखते हैं, ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो, डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर जो होगा वह ग्रेटर देन फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर, या दोनों चीज याद रखना है, या तो डायरेक्टली, अगर कोई बोलेगा केस बताइए, तो सिर्फ यह भी लिख सकेंगे डी ग्रेटर देन जीरो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछेगा कि भाई रियल रूट के लिए आप बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो एक्सप्रेशन निकला है, बी स्क्वायर जो है ग्रेटर होगा किसके, फोर ए सी के। अगर यह कंडीशन आ जाए कि बी स्क्वायर जो है फोर ए सी के क्या है, ग्रेटर हो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यह तो मेरा था केस वन। अब हम लोग चलेंगे केस टू के तरफ, केस नंबर टू। यह याद रखिएगा कि अगर डी इक्वल टू जीरो हो जाए, तीन केस ही आ सकता है, या तो जीरो से बड़ा होगा, या जीरो होगा, या जीरो से छोटा होगा, इसके अलावा तो कोई केस होगा नहीं, ठीक है। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर जीरो से बड़ा हो डी, तो देख लिए। अब क्या देखेंगे, जीरो से अगर बराबर, या जीरो के बराबर हो, तो जीरो के बराबर अगर होता है तो याद रखिएगा रूट्स जो होगा ऑलवेज रियल होगा, ठीक है, रूट्स है, इसे इम्प्लाइज किया एक्स इज रियल
एंड इक्वल, यानी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, सिंस डी इक्वल टू जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका क्या होगा, जीरो, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर के बदले फोर ए सी हो जाए तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। अब केस नंबर थर्ड, तीसरा केस, थर्ड केस के लिए अगर जो है डी लेस देन जीरो, जीरो ही बड़ा हो गया, जीरो से अगर छोटा हो गया डी, तो हमेशा याद रखिएगा यह एक्स जो होगा इज नॉट रियल, ठीक है, रियल नहीं होगा, और रियल नहीं होगा तो इसको हम लोग फैक्टराइज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी के आप लोग के स्टैंडर्ड में यह फैक्टराइजेशन नहीं होगा, लेकिन आप लोग से एक क्लास अगर ऊपर ले लिया जाए, ठीक है, तो यानी 11 12th में इसको फैक्टराइज, आप इमेजिनरी को भी फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अंडर 10 यही याद रखिएगा कि अगर डी जो है जीरो से कम हो गया, यानी माइनस में आ गया, डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, अगर आ जाता है वह रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा, फैक्टराइजेशन उसका नहीं होगा। बस आप लोग के लिए यहाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे रूट्स आर इमेजिनरी और या नॉट रियल, ठीक है, नॉट रियल। अब देखिए कंडीशन क्या होगा रियल नहीं होने के लिए, डी ग्रेटर देन जीरो, सिंस देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो हो गया वह लेस देन आपका जीरो, यानी बी स्क्वायर जो हो गया लेस देन आपका फोर ए सी। केस बी स्क्वायर जो है लेस देन, अगर फोर ए सी के लेस है, छोटा है, फोर ए सी से छोटा है, तो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा या रियल आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यही तीन केस था जिसके तहत हम लोग को पता चलता है रूट्स का नेचर। फर्स्ट में एक बार रिपीट करते हैं, फर्स्ट जो है रियल और डिस्टिंक्ट, रियल वास्तविक होना चाहिए, दूसरा क्या है डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट होना चाहिए, यानी दोनों अलग अलग रूट होगा, उसके लिए एकमात्र कंडीशन है डी जो है ग्रेटर होना चाहिए जीरो, अलग अलग रूट के लिए वह जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी डी का वैल्यू ऑलवेज इन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में हमेशा के लिए आ जाए तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा और वह डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, एक या और एबीसी के फॉर्म में अगर करते हैं तो यानी कि बी स्क्वायर जो हो वह बड़ा हो जाए, फोर एसी से बड़ा हो जाए, तो उस केस में आपका क्या होगा, रूट्स जो होगा वह रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अब दूसरा केस देखते हैं, रूट्स जो है रियल और इक्वल के लिए जो केस है वह डी इक्वल टू जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वह अगर जीरो आ गया तो रूट्स जो होगा वह रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। अब देखिए तो इसका एबीसी में के टाइप में रिलेशन देखेंगे, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हो गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, अगर बी स्क्वायर और फोर ए सी दोनों बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उस केस में आपका रूट्स जो होगा रियल और इक्वल होगा। तो रियल के लिए मात्र दो केस कौन कौन, एक डी ग्रेटर देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो, केवल रियल की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट या इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लोग याद रख लेंगे फॉर रियल वैल्यू, फॉर यहाँ हमेशा नोट पॉइंट में याद रखिए कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का लेकर मतलब रूट का रियल वैल्यू के लिए डी कौन कौन केस था, डी ग्रेटर देन जीरो एंड और क्या था, डी इक्वल टू जीरो, दोनों को कंबाइन कर दीजिए डी ग्रेटर इक्वल देन जीरो, या केस जो है इस वैल्यू के लिए रियल वैल्यू के लिए इसमें डिस्टिंक्ट और इक्वल दोनों क्या है इंक्लूड है। यहाँ पे अलग अलग ये अगर कर रहे डिस्टिंक्ट, केवल बोलेगा डिस्टिंक्ट तो सिर्फ यह ग्रेटर देन जीरो, अगर बोलेगा इक्वल तो इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर केवल बोले कि रियल है, ना डिस्टिंक्ट का चर्चा किया ना इक्वल का चर्चा किया, ना ई लिखे ना ई लिखेंगे, लिखेंगे क्या, या दोनों लिख दोनों का जो यह है ये दोनों का लिख लेंगे।